हेलो एवरीवन, कहते हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे, शुक्रवार, और अभी समय हो रहा है लगभग 10:30। आज मुझे काफ़ी लेट हो गया है पूजा करने में, और आज मेरा व्रत है। तो अभी मैं नहा कर आई हूँ और बालकनी में अपने बाल को टॉवल से सुखा रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपने बालों में यहीं पर ही सीरम यूज कर लूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा देर हो जाता है, बाल ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो फिर अधिक टूटने लगता है। और जब मैं झाड़ती हूँ तो मैं बालकनी ही आ जाती हूँ, क्योंकि बेडरूम वगैरह में, बेडरूम में या फिर अंदर में बाल वाल झाड़ने से ज़्यादा बाल इधर उधर गिर जाता है, तो बाल मैं बालकनी में ही झाड़ लेती हूँ। और आज जो है पूजा होने में काफ़ी लेट हो गया है, जबकि मैं इतना लेट कभी भी नहीं करती हूँ। तो क्यों लेट हुआ वो मैं बताऊँगी आपको। और यहाँ पर मैं लिवॉन का सीरम यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिवॉन का सीरम यूज कर लिया। और ये जो साड़ी मैं पहनी हूँ, ये तांत का साड़ी है, थोड़ा सा पुराना हो गया है। और जब मैंने ये शुक्रवार का व्रत शुरू किया था, तो इसी साड़ी से व्रत शुरू किया था। और इस साड़ी पर लाल ब्लाउज भी है और ग्रीन भी इस पे चल रहा है, क्योंकि इसकी आँचल में ग्रीन वर्क है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो हुआ क्या है एक्चुअली कि गोदरेज जो है वो बिल्कुल मैसी हो गया है। मैं लगभग 1 महीने 1.5 महीने से मैंने गोदरेज को ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ है, और वो मुझे ही करना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं इनको बोल दूँगी और ये कर देंगे, ये तो ऐसा कर देंगे कि किस चीज़ को कहाँ गायब कर देंगे, ये तो आप लोग भी समझते हैं। तो ये काम तो मेरा ही है, मैं इनको कह भी नहीं सकती हूँ, बस मैंने एक मजाकिया अंदाज में आपको कहा ये काम में हम लोगों का है, हम लोगों को ही ये सब करना होगा। तो उसी चक्कर में क्या है कि ब्लाउज मिल नहीं रहा था मुझे जल्दी जल्दी में, और काफ़ी लेट हो गया था। और मैंने क्या किया है, आप लोगों को पता होगा, मैं कोई भी ड्रेस पहनती हूँ, ब्लाउज पेटीकोट या कोई सूट वगैरह, तो मैं खुद बनाती हूँ। तो मैंने क्या किया था, हर कलर का पेटीकोट और हर कलर का ब्लाउज प्लेन में मैंने सिल के रख लिया है, ताकि अचानक से अगर कोई साड़ी पहनना पड़े तो कोई ना कोई प्रिंट तो उसमें मिल ही जाएगा। जिसमें से कुछ ऐसे ब्लाउज हैं जो कि पुराने हो गए हैं, तो उसको मुझे लेना होगा। और अब तो जो टाइट हो रहा था वो भी अब फिट होने लगा है, क्योंकि मैंने अपना काफ़ी वेट लॉस किया है। तो अब मैं बाल समेटने के बाद यहाँ पर मैं किचन आ गई हूँ भगवान जी का बर्तन धोने के लिए, और लाइट नहीं है इसीलिए आपको अंधेरा लग रहा है, डियर थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। और मेरी किचन की खिड़की है, इससे जो रोशनी आती है तो अगर कैमरे पर पड़ती है तो वो धुंधला दिखने लगता है, लेकिन अभी जो है लाइट नहीं है, मैंने लाइट नहीं जलाया है। और यहाँ भगवान जी का बर्तन धोने के लिए मैं सर्फ और ये विनेगर यूज कर रही हूँ, इससे थोड़ा सा साफ़ हो जाता है। हालाँकि तांबे का बर्तन धोने के लिए पीतांबरी पाउडर भी है, लेकिन आज मैं इसी चीज़ को यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं भगवान जी का बर्तन धो लूँगी। और मैंने जिस तरह से बताया कि आज मैं योग नहीं कर पाई, क्योंकि अचानक से वो बोले कि आज बिल्कुल सवेरे मुझे जाना है, तो योग वगैरह करने में 1 घंटा का समय तो लग ही जाता है। तो यहाँ मैं बर्तन धोने के बाद अब मैं पूजा करने के लिए चलूँगी। तो पूजा मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ, मैंने पहले से बहुत कुछ कर लिया था। आप देख रहे हैं कलश में आम का पल्लव रख लिया है, क्योंकि पिछले शुक्रवार को मैंने थोड़ी हैवी साड़ी पहनी हुई थी, और थोड़ा सा डिटेल में बताया है पूजा। हालांकि और भी डिटेल में मैं आपको बताऊंगी अगर आप लोग कहेंगे, क्योंकि ये जो व्रत होता है काफ़ी फलदायी होता है। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ, बाबू मेरे बगल में बैठा हुआ है। तो पूजा हो गया है, बाल मेरा भींगा ही है, लेकिन फिर भी मैंने इसको समेट लिया है, क्योंकि अब किचन में काम करना है। किचन आ गए हैं बादाम, काजू, बादाम भून लेंगे, थोड़ा काजू भून लेंगे, और फिर मखाना का खीर सोच रहे हैं बनाएंगे, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और अभी देखिए 11:30-12 के आसपास हो गया। पिछले शुक्रवार को मैंने जो साड़ी पहनी थी थोड़ा भारी था, तो अभी मैंने वो साड़ी आज नहीं पहनी, क्योंकि मैंने धुला नहीं है। और देखिए संजोग से मेरा हेयर बैंड भी ब्लाउज की मैचिंग में आ गया, और इस साड़ी पर लाल ब्लाउज था,
लेकिन इसके आँचल में थोड़ा ग्रीन वर्क है तो इस पर ग्रीन भी चल गया, और चूड़ी भी मैंने इसकी मैचिंग का पहना है। तो चलिए अब कुछ फलाहार बना लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। तो चलिए अब अपने काम में लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटी वाली कढ़ाई चढ़ा दी है, ये कढ़ाई बिल्कुल काम का है। और कुछ सामान मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी किचन में खरीदने का, जिससे कि आप लोगों का समय बच जाए। तो मैं किसी वीडियो में बताऊंगी अगर आप लोग जानना चाहेंगे। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली ले लिया है, और मूंगफली को यहाँ पर मुझे चुनना पड़ेगा क्योंकि मूंगफली में थोड़ा सा ख़राब दाना है। मूंगफली में बिल्कुल, ये देखेंगे आप, सड़े सड़े दाने निकलते ही निकलते हैं, इसीलिए इसको चुनना पड़ता है। आज पूजा में लेट होने का कारण यही था कि बस बैठ के थोड़ा सा बात करने लगे, उसके बाद इन्होंने कहा कि सवेरे ऑफिस जाना है, बस खाना बनाने में लग गए। मैंने सोचा कि अब आराम से ही करते हैं पूजा पाठ, तो ये चले गए। फिर मैं थोड़ा सा बादाम इसको भून लेती हूँ, हल्का घी डाल के भूनूंगी मैं, और थोड़ा सा काजू। और आपने देखा होगा जब मैं किचन भगवान का बर्तन धोने आई थी, तो खाना बनाने के बाद सारा बर्तन मैंने धो दिया, पूरे तरीके से किचन को पोंछ लिया, क्योंकि अब तो डायरेक्ट रात में ही खाना बनेगा, तो पूरा किचन साफ़ है। और यहाँ पर मैंने दूध भी गर्म कर लिया है, तो यहाँ मैं बादाम और काजू को भून लूँगी, और इसके साथ गुड़ के साथ खाती हूँ, काफ़ी टेस्टी लगता है। कभी कभी तो कढ़ाई में गुड़ को भी पिघला कर उसमें बादाम डालकर खाती हूँ। और मेरा बेटा बोल रहा है, मेरा भी व्रत है बिट्टू, मुझे भी अलग प्लेट में देना। मैंने कहा ठीक है बेटा। और यहाँ पर मैं चीनी का डब्बा ले आए थे घी के बदले में, अब मैं घी का डब्बा लेकर आऊँगी। और आप लोगों ने देखा है कि पीछे मैं घी का पूजा का सारा सामान साइड में रखती हूँ। आप लोगों में से कोई भी अगर मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ डियर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट कर बताइएगा आपको मेरा वीडियो किस कैसा लग रहा है। और यहाँ देखेंगे मेरा जो फेवरेट मीठा है गुड़, इसको मैंने निकाल लिया, और मैं इसको इस तरह से टिश्यू पेपर ढक्कन में लगा कर रखती हूँ, जिससे चींटी वगैरह ना लगे। और इस तरह से मैंने गुड़ को रख दिया। और यहाँ पर मेरा मैं क्या करूँगी, सस्पेंड में चाय का भी सारा चीज़ निकाल कर रख दूँगी, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा मैं चाय पीऊँगी। मैं तो एक ही बार पीती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा थक गई हूँ, अभी नहा कर आई हूँ, काफ़ी लेट हो गया है। तो आज हम बालकनी में चाय पीने वाले हैं आप लोगों के साथ, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को, अच्छा लगेगा देख के, क्योंकि काफ़ी नेचुरल इतना सुंदर मौसम है। यहाँ पर मैंने चाय चीनी का डब्बा भी रख लिया, अभी तो मैंने गैस ऑन कर दिया था, और दो पेड़ा मैंने ले लिया, और अब बाबू को भी एक पेड़ा, थोड़ा गुड़ और बादाम और काजू दे दूंगी। बीच में मैंने चाय बंद कर दी थी, क्योंकि मैंने सोचा था थोड़ा देर बाद, मैंने सोचा मैं थोड़ा देर बाद ही अब पीऊँगी, तुरंत पीने का मन नहीं कर रहा था। तो अब इसको भगवान के आगे में मैं रख दूंगी। जब मैंने रखा तो बाबू ने कहा मेरा प्लेट भी रख दो, और जब मैं उसके प्लेट को रखी तो उसने कहा कि मेरे प्लेट में भी पानी दो, और जब मैं पानी उधर लेने गई तब तक मैं ये भगवान जी के आगे से लेके भाग गया। तो इस तरह से, और खुद बोला हो गया, अब भगवान जी नहीं खा रहे हैं, मैं खा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर अब मेरा खाया हो गया है, और मैंने किचन में चाय भी चढ़ा दी है। और आज मैंने बेडरूम का दो पर्दा धोया हुआ था, तो उसको मैं यहाँ बालकनी में डाल दूँगी। और मैंने कोई फास्ट यहाँ पर वीडियो नहीं किया है, आप देख रहे हैं कितनी अच्छी हवा चल रही है, बिल्कुल लग रहा है शाम हो गया है, और जबकि अभी मुश्किल से 12:30 बज रहे होंगे या 12:20 हो रहे होंगे। और यहाँ पर बाबू जो है क्लचर लगा रहा है पर्दा में, मेरे ही पास आसपास रहता है, और यहाँ पर मैं बैठकर चाय पी लूँगी, और आप लोग भी चाय पीने आइए। और इतना अच्छा लगता है, कभी कभी मैं शुरू से ही ये बात बोलती हूँ कि कभी कभी अपने लिए कुछ समय निकालिए, बिना मोबाइल का, बिना टीवी का, बिल्कुल प्रकृति के साथ कुछ बातें करिए, खुले आसमान को देखिए, अगल बगल हरे पत्तों को देखिए। मेरे सामने में जो है मैं उसी को देखती हूँ, और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं चाय पी लूँगी, और अपने बाल को बालकनी में थोड़ा सा सुखा लूँगी। और बाल को सबसे पहले मैं अपने फिंगर से सुलझाती हूँ, डायरेक्ट कंघी लगाने पर भी बाल ज़्यादा टूटता है, और थोड़ा लंबे बाल हैं इसीलिए मैं यहाँ पर अपने फिंगर से बाल को सुलझा लूँगी। और काफ़ी समय तक मैं बालकनी में बैठी थी, और पता है मैंने सोचा था शाम का भी कुछ क्लिप रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन हुआ क्या था, मैंने आप लोगों को जन्माष्टमी में दिखाया था मुंबई का थोड़ा सा क्लिप, जो कि मेरे देवर वहाँ पे रहते हैं। आप लोगों ने जन्माष्टमी वाला ब्लॉग देखा कि नहीं, ज़रूर देखिए। और हाँ, कल बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया हुआ है, उसे भी ज़रूर देखिएगा, तीज मेकअप लुक कह के मैंने क्रिएट किया हुआ है, पीला साड़ी में काफ़ी खूबसूरत है, आप लोगों ने कमेंट कर बताया है। तो जब शाम में छठी होने लगा तो वीडियो कॉल में हम लोग वहीं पर व्यस्त हो गए, और लाइव देखने लगे प्रोग्राम कैसे क्या हो रहा है, इसीलिए डियर मैं शाम का कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई।
और बस यहीं तक आपका मेरा आज इस ब्लॉग में साथ है। तो यहाँ पर मैंने अपने बाल को खोल लिया है, बाबू बोला मुझे हेयर बैंड लगा दो, मैंने बाबू को हेयर बैंड लगा दिया और मैंने चाय पी ली है और थोड़ा और बचा है, चाय पी लूँगी और अपने बालों को सुलझा लूँगी। तो डियर, आपको मेरा ये ब्लॉग, ये लाइफ रूटीन कैसा लगा? हर दिन एक सा नहीं होता है, जबकि मैं सुबह बिल्कुल 11 बजे तक किचन से फ्री हो जाती हूँ, लेकिन हर दिन आप चाहेंगे एक जैसा हो आपके साथ तो ये नहीं होता है, कभी ना कभी बदलाव हो ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने चाय पी लिया है और आशा करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। साड़ी थोड़ी सी पुरानी है, इसको इग्नोर करिएगा, पुराने होने से क्या होता है, कपड़ा तो कपड़ा होता है। तो बस आज बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अपने अगले ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग को लेकर। और हर संडे इस पर जो है मेकअप लुक आता है, आप लोग जानते हैं, और अगले संडे तो तीज का ही मेकअप लुक आएगा, जो मैं अपने तीज में रियल मेकअप लुक करूँगी, उसको मैं शेयर करूँगी। तीज का ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा, और आप लोग कहेंगे तो मैंने बरसात का ब्लॉग बचाकर क्लिप जो है बचाकर रखा है, आप लोग कहेंगे तो उसके वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज बस हमें दीजिए इजाज़त डियर, मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में। बने रहिए आप इस चैनल के साथ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, कमेंट कर जरूर बताइएगा आप और किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, बाय डियर, लव यू।